जी अब आप देख सकते हैं ये टायर शॉप्स आ चुकी हैं सारी। ये देखें, वी आर इन सुल्तान कू, इन द कूज ऑफ सुल्तान। समझ नहीं आ रही, बचत होगी बचत होगी बचत होगी, बड़ा नुकसान होना था मेरा, प्यार लगा। ये नंबर कितने पे आएगा हमारा? 00 पे। आपकी खालिद भाई, अभी आपसे अगर किसी ने टायर लगवाने हो तो इस तो लोकेशन बताएं कि क्या है। लोकेशन ये गिला स्पेशली अली नवाज चौक और शिंगवारी टायर। और इधर कोई ऐसी मेन जगह कोई बड़ी जिसको जो बंदा इस्लामाबाद का नाम भी हो उसको पता हो, कोई ऐसे मेन ऐसे होता है ना बिल्डिंग होती है कोई चीज़? शाह सुल्तान पुराना एयरपोर्ट जो है ना, ठीक है ठीक है, और शाह सुल्तान के नाम से जाना जाते हैं गिला स्पेशली अली नवाज चौक रावल रोड। और अभी आपका सही है, पता है सही है। और आपका माशाल्लाह दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम वही पुराना ब्रांच का तो शिनवारी टायर है। शिनवारी टायर सोच रहे हैं, ये तो टोटल चार दिन हो। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो जी, अल्लाह मियां बरकत डाले आपके काम में। और वो दुकान कितनी दूर है? बिल्कुल साथ ही है वो भी? बिल्कुल इनकी गली और इनके साथ, दोनों दुकान समझ ले एक ही। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका गाड़ी लगाए। अच्छा, उधर ही लगा के काम अभी शुरू हो गया काम उसका, फिर हम काम ही देख सकते हैं। चल ठीक है, थैंक यू। हमारे पास तकरीबन आते ये हो गया और असद भाई हो गया, तकरीबन हमारे पास आते 2016 से। अच्छा अच्छा, आज दिन तक इस पर जब भी टायर चढ़ा के लिए हमारा कोशिश यही होता है यार कि किसी बंदे के पास हमसे गलत चीज ना चले जाए। जब अगर गलती से गया भी हो ना तो कभी भी उसको जो है ना इस तरह नहीं किया है कि यार हमने कोई उसको जो है ना तकलीफ पहुंचाई, बस यानी कि समझ ले उसी में सही है, ठीक है। कोशिश हमारा यही रहता है कि यार कस्टमर बन जाए तो पक्का। जबरदस्त जी, इस तरह लम्बिया काम में बरकत डालता है। दूसरा जो आपका, आप मुझे अभी अपना नंबर दोगे सारी चीजें वो फिर हम स्क्रीन पे लगा भी देंगे, किसी को आपके साथ रब्ता करना है तो। 0320 ठीक है, 15 88 988 ठीक है, 0320 15 88 988 ठीक है। खालिद इनका नाम है, आप रब्ता करें इनसे और इंशाल्लाह कोई भी आपके पास, मैंने देखा है कि ये भी है डिस्प्ले, ये इंशाल्लाह भी आगे जो है ना और भी डिस्प्ले, और 24 से तक ये जो है ना बार डिस्प्ले लगाए हुए। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह ये आहिस्ता जो है ना सेटअप बढ़ाएंगे थोड़ा सा इंशाल्लाह। तो ये रिम्स की हाल भाई रेंज क्या होती है? ये जो रिम्स की जो है ना अभी 12 साइज हो गया और 14-15 इसमें मुख्तलिफ रेट होते हैं। अच्छा अच्छा, तकरीबन समझ ले कि 25-30 से शुरू होते हैं और 1,60,000-1,70,000 रुपए तक रेट जाते हैं। इसमें दरअसल फैंसी वगैरह मिक्स। अच्छा, आप ये पर पीस रेट बता रहे हैं या चार का रेट? चार का रेट बता रहे हैं। ये हर गाड़ी में मिक्स गाड़ी आती है, ठीक है। इस मेयर गाड़ी का जो है ना तो अलग अलग रेट आ जाते हैं, ठीक है, चारों का कट्ठा। और उस पर फिर अगर लगाने की क्या कॉस्ट होती है आपकी? बीच में लेबर शामिल होती है कि अलहदा लेते हैं? जो बाकी है हमारा हाथों का जो काम होते हो किसी तरह हमारे बंदे को फ्री कर मजले हो गया, ठीक है, ये वगैरह तो हम फ्री करके देते हैं। बाकी जो है ना बस रिम का रेट होता है, रिम का रेट होता है और आपकी लेबर फिर उसमें हो जाती है कवर इंशाल्लाह। हाँ सही से जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोग का? ठीक ठाक है, मज़े में बेहतरीन, मीट माई कज़न। हेलो वालेकुम, बेचारे अपने गूगल मैप में बिजी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर टायर्स लेना चाहते हैं कि टायर्स कितने के हैं और आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। ओए रेडियो चाहिए, दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। और इस वक्त हम जा रहे हैं सुल्तान का खू जा रहे हैं और उस खू में बढ़ के हमने टायर्स खरीदने अपनी होंडा रीबॉर्न 2009 के। वैसे बेतहाशा वहाँ आपको टायर्स दिखाएंगे हम और डिफरेंट गाड़ियों के भी टायर्स दिखाएंगे, जो चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करेंगे। और रीसेंट रेट्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना फॉर यू गाइस इन दिस वीडियो टुडे, इंशाल्लाह रीसेंट रेट्स जो भी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको सफ़र दिखाते हैं सारा। अब मसला ये है वहाँ जाके जिस चीज़ आपको एक चीज़ चाहिए उधर जाने के लिए, नेगोशिएशन स्किल्स। अगर आप बार्गेन कर सकते हैं यू विल गेट अ नाइस डील, है ना? ऐसे ही है ना इंशाल्लाह। तो देखते हैं, मैं तो आई एम वेरी बैड इन दिस थिंग, लेकिन हमारे भाई जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अब नेगोशिएशन करने वाले। इसका क्या रेट है? नहीं नहीं बोले बोले बोले, नहीं नहीं
आपको पता है जब भी डला के गए हैं तब अच्छे ही डला के गए हैं। सर आपका बजट कितना है? 60-70,000 के दरमियान उन्होंने बोला है कि जाते हैं वहाँ से। रीबॉर्न के लिए अभी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस वहाँ वैसे अभी थोड़ी सी वर्किंग थ्योरी क्या है इससे जाने से पहले कि इम्पोर्टेड टायर्स में और दूसरे चाइनीज भी इम्पोर्टेड हैं। दूसरे होते हैं जो कंपनी के होते हैं मिचेलिन वगैरह के होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम चाइनीज ही लाएंगे। चाइनीज चलाएंगे, ठीक है। तो बजट है कोई 60-65 के लगभग? 60-65 ठीक है। अब साथ में देखनी ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है कि भी क्या हम लोग अपने बजट के अंदर रह के कोई अच्छी चीज नए टायर्स की बात करें कि अच्छी चीज हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। स्टेबल। अच्छा, जो लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि एक सवाल ये भी हो सकता है, सवाल ये भी हो सकता है कि जी सुल्तान का खू की लोकेशन क्या है, तो वो उसमें कोई ऐसा हमारा कोई लैंडमार्क कोई ऐसी चीज जिसको हम बता सकें कोई आना चाहता है इस साइड पे? ये मरी रोड से आता रास्ता इसका, ठीक है, मेरे ख्याल से चांदनी चौक है, उधर से अगर लेफ्ट हो जाए तो साथ ही थोड़ा सा आगे आके मतलब चांदनी चौक एक ऐसा लैंडमार्क है जिसके पास आके कोई पूछ भी सकता है, भाई आप पूछ लो आके कि यहाँ सुल्तान का खू किधर है, तो ये एक लोकेशन का भी रेफरेंस होना चाहिए आपके पास। बस हम पहुँचने वाले हैं मतलब 2-3 मिनट में इंशाल्लाह, फिर हम आपको वहाँ दिखाते हैं सीन सारा। ब्रदर्स ये आप देख सकते हैं ये टायर शॉप्स आ चुकी हैं सारी, ये देखें वी आर इन सुल्तान खू इन द खूज ऑफ सुल्तान। मैंने अभी अपनी कज़न को ये चीज़ बता रहा था कि एक दफ़ा मैं काली जबान बाइक का टायर चेंज करवाने जा रहा था ऑन द वे था, मेरा 2 दफ़ा टायर पंचर हुआ, वो जो 250 रुपये मुझे उस टाइम पर ठुके थे ना वो आज तक मेरे दिल में ऐसे उसकी जो है ना तकलीफ पहुँचती है। सो अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से पहुंच गए क्योंकि अभी चारों टायर हमने चारों चेंज कराने और स्टेपनी इसकी स्टेपनी ठीक। पैसे बचाओ। आपकी दुकान कहाँ पे कर? कौन से नंबर? अच्छा 5वीं नंबर दुकान है। अच्छा, और दुकान का नाम क्या था भला? जी सर, अब हम इस शॉप पे आ चुके हैं, बड़ी कड़ाके की धूप है, ये खड़ी है हमारी रीबॉर्न नहीं जी, इसका नाम है मूसा ट्रेडर्स और ये बिल्कुल इस चौक के पास है, ठीक है। तो इसमें से अब ये टायर्स की डिस्कशन चल रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी शॉप है और ये शॉप के ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 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 अपनी गाड़ी में लगाने वाली गाड़ी आपको बेहतर है। उसका क्या रेट है? नहीं नहीं बोले 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 ये सर ये तीनों चाइनीज हैं? सही है। अच्छा, तो क्या इनकी क्या प्राइसेस हैं सर? ये तो वैसे अगर हम मार्केटिंग हिसाब से जो सेल करते हैं जी जी, हमारा रेट शुरू होते हैं कुछ 54,000 से 66,000 तक रेट देते हैं, ठीक है। पर भाई आपके लिए जो है अगर वो लगाने 48 का कर देंगे, ये वाला टायर जो है ना ये जिगर आपके लिए लगा देंगे 62,000, ये वाला जो है ना 56,000। अच्छा, वाला 48,000 48 56 और 62, ठीक है। इनके पास तमाम गाड़ियों के आपके पास सारी गाड़ियों के टायर होते हैं सभी? अच्छा अच्छा, सही सही सही। ये कहाँ है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा खालिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी गाड़ियों के आपके पास होते हैं टायर? हमारे पास टायर्स से लेकर यानी कि अल्टो गाड़ी से लेकर V8 तक जाते हैं। V8 तक जाते हैं? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो ऑफ रोड टायर गाड़ियों के अलग होते हैं वो जैसे जीप्स वगैरह के होते हैं उनके अलग टायर होते हैं, ऊपर डिस्प्ले में लगाए हुए? अच्छा, वो भी आप लोगों के पास हैं? सही है, ठीक है।
सही सही। और कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं आपके पास? हमारे पास डनलप, जो ये जिस भाई को जो जरूरत होते हैं वो ही। अच्छा यार, वो किक्स मैक्स के एक आते थे, किक्स मैक्स। हाँ, वो टायर बड़ा अच्छा था। और अपने इस्तेमाल के लिए है ना चीज, वो बेहतर टायर है। ये इम्पोर्टेड है। ये मुझे सिर्फ इससे ये डर है कि ये ज्यादा नरम है तो सही, मगर इसका मसला पता क्या आ रहा है कि ये ज्यादा नरम टायर में फूल जाता है। ये दाना बना देता है। अगर मुझे टायर पता है, ये ज्यादा पसंद आ रहा है, वहाँ में भी जाता आती है। हाँ तो खाली भाई, इसका वो कोई इनकी को वारंटी वगैरह क्या होता है, जो भी होता है? अभी अगर टायर किसी को भी लगा के दे, चाहे रोड पे चल जाए, कितना बंदा हो या पुराना गाग हो, हाँ जी हाँ जी, तो जो टायर भी लगा के दे देते हैं ना, टेम्पर वगैरह उनके होते हैं 1000 किलोमीटर। तो अगर तक ये दाना खत्म नहीं हो, ठीक है, किसी किस्म का फर्क, किसी किस्म की शिकायत होना, तो किसी ये पूरी टायरों नहीं करती। अच्छा, ये नहीं। और मसला किस किस्म का आता है? बबल बन जाता है क्या? आता नहीं, नहीं, बबल नहीं बनते। बबल कभी भी टायर में खुद नहीं बनते। अच्छा। बबल तभी बनते हैं जब किसी चीज के साथ या बड़े खड़े में लग जाते हैं। अच्छा, अच्छा। या इस तरह कोई बड़े ब्रेकर के साथ लग जाते हैं। अच्छा। अंदर से नरम अक्सर टायर होते हैं ना, फिर टायर का दागर टूट जाता है। ठीक है, ठीक है, सही 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 जी सर। मैच पड़ गया इन दोनों में? लगाने अब प्राइस टैग की हमने बात की थी, तो ये वाला क्या बात हो रही थी? कितने? 56,000 और ये 62,000। हाँ, कार्डर ये अलग साइज दोनों का एक है, ये चौड़ा क्यों लग रहा है? कितनी चौड़ी है? नहीं, ये जब चढ़ेगा ना तो एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए जी, ये सारी मार्केट है इस वक्त जबरदस्त किस्म की। इसमें आप कोई किसी भी शॉप में चले जाएं, सारे ही अच्छे भाई हैं, आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट कर देंगे। ये जी हमारी माशाल्लाह ब्यूटी। और अगर आपने इसका रिव्यू देखना है, ये जो यूज़र रिव्यू होता है, ये मैंने हमार के साथ बनाया, वो मैं ऊपर लिंक शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये टायर की कंडीशन है इस वक्त, माशाल्लाह यार बड़ी प्यारी गाड़ी है। ये जी व्हील रिम्स भी हैं, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, आपको पता है जब भी डला के गए तब अच्छे डला के गए। इस पे कर रहे हैं जी फाइनल लोग, नेगोशिएशन इस पे हो रही है। सही है, ठीक है, भाई कह रहे हैं कि यही सबसे बेहतर है, तो सभी भाई ये जो चाइना के टायर नहीं होते, दूसरे होते हैं, ये वो कितना महंगे होते हैं? बड़ा फर्क होता है। ब्रांडेड? हाँ, ब्रांडेड डनलॉप में तकरीबन होते हैं 74-75 से शुरू हो जाते हैं 15 टायर में। अच्छा, तकरीबन 1,60,000 रुपए तक रेट जाते हैं। ओह, बड़ा फर्क है। ये वाला, ये तो जो लो क्वालिटी वाला सोचा जीतो वाला डन लोग है ना, उसको तो काफी है, वो तो दिन भी नहीं है यार, वो तो बेहतर डन लोग है। जो चीज़ मैंने यहाँ के नोटिस किया ना, वो ये है कि आपको एकदम से सारी ऑप्शंस आपके सामने रखी जाएंगी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस थिंग कि आपने सही चीज़ पिक करनी है। और उसका रेट, फिर शुरू में रेट पे नहीं बात करनी कि सस्ता सस्ता लेना सस्ता लेना सस्ता लेना, फिर वो सस्ती ही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सही है, एक अच्छी चीज़ पिक करें और उसके बाद उसके ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें एक और भी
पॉइंट मद्देनजर रखने वाला है कि हम क्वालिटी को देख लेते हैं बाजकर और देख लेते हैं कि एक साल की वारंटी तो सबकी है, वारंटी होती है, बबल बन जाएगा, टायर टेढ़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होता टायर को, एक साल के अंदर ये फिर आपको रिप्लेस कर देते हैं जो भी आपने किसी भी कंपनी का लिया होता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, रबर है ना इसके अंदर, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू शुड आस्क के ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, हमारा देख रहा है ये है 2023 का मैन्युफैक्चर 8वां महीना। इसकी डेट क्या लिखी होती है, तारीख इसकी मैन्युफैक्चरिंग की 2000 ये वो 29 सही है, 29 साल में 50 हफ्ते होते हैं, 29वां हफ्ते। अच्छा अच्छा, ये इस तरह होता है महीने लिखा होता है, हफ्ते का होता है, ये हफ्ते का होता है, ये 49वां हफ्ते, यानी कि साहब तो ये 8वें महीने का आ गया, 9वें महीने, 8वें महीने का 2023 का है ना। अच्छा अच्छा, हफ्ते की प्रोडक्शन क्या फिर फाइनल हुआ है यार, 55 में सारे टायर और व्हील बैलेंस भी कर रहा है। अच्छा, और वो उसकी टूटियां भी चेंज करेगा? हाँ, नोजल भी चेंज करेगा। ठीक है, कुछ नहीं यार, यार पेट थोड़ा सही नहीं है। शिजान मिलती है ठंडी? शिजान शिजान वाली होती है, कांच वाली जो होती है, कांच वाली वो ठंडी होती है। ठीक है, लो जी अभी इस गाड़ी के बिल्कुल नई नई ली है, इसका भी नाम रखना है अभी माशाल्लाह। यार बड़ी जबरदस्त है ये, देखा ना कितनी नीट पीस मिला है मार्केट में लब लब के। अब काम हमारा शुरू हो चुका है, दूसरी इनकी ये एशियन मारी टायर जो वो अंदर खालिद भाई बात कर रहे थे ना, समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है सही। बचत होगी, बचत होगी, बचत होगी, बड़ा नुकसान होना था मेरा, प्यार लगा है। ये हमारे टायर आ चुके हैं माशाल्लाह, और नई चीज सीखी है, देखिए नया एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसकी डेट अभी मैंने चेक की है। माशाल्लाह पहला टायर लग रहा है हमारा, जबरदस्त हो गया, बाकी के ये टायर पड़े हुए हैं और इन पे ये काम हो रहा है। मैं आगे देख के कर जाता हूँ करो, ये 18 से है और ये जो आपका लगा हुआ है ये उससे कितना, इसके टायर कौन सा लगेगा, योकोमा का है 2150 व्हील बैलेंसिंग भी हो रही है, इसका भी एक प्रोसेस छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी रिकमेंडेड है कि आप जब टायर चेंज करवाएं तो ये व्हील बैलेंसिंग भी हमें इसी कॉस्ट में करके दे, ये इसी कॉस्ट में, हाँ नोजल नहीं लगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, और व्हील बैलेंसिंग भी इसी कॉस्ट में, हाँ इसी को। ठीक है,
प्राइस 13.5 हो। बात मैंने सोलो की वीडियो में भी आप लोगों से की थी कि यू हैव टू बी, और एसी वाली वीडियो में भी, कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ सही लगेगी। अब उसकी व्हील बैलेंसिंग भी करवा रहा है, मार सर्वे फ्री हो बस का, तो हमारे भाइयों को चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नंबर कितने पे आएगा हमारा? 00 पे। 00 पे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नंबर 00 पे आना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। अभी 15 पे है, 1 पे 15 है, दूसरे पे कितने? तो दूसरे का भी नहीं देख रहे अभी, इस वाला का देख रहे हैं, इनसाइड वाला। ठीक है, अभी आउटसाइड वाला बाद में इसके करेंगे, पहले इनसाइड वाला 00 करेंगे, फिर आउटसाइड वाला। अच्छा, मैंने ये मियाँ जी मिले इधर, बहुत जबरदस्त मुझे चीज एक्सप्लेन करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजूर इलाही। मंजूर इलाही साहब, मैंने ये सवाल किया है कि टायर में बबल क्यों आता है ना, तो क्या उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह जो मेन वजह है जी, कि हम सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसको ड्राइव करने के लिए, जी जी, तो हम ना देखते हैं हमारे टायरों की आवाज कितनी है। अच्छा, ठीक है। फिर हमारे मुल्क में, मैं पूरा यूरोप फिर के आया हूँ, पूरा मैंने तकरीबन काफी मुल्क फिरे हैं, मैंने किसी जगह वो जो है ना, वो ये हमारी जो कैट आई लगी हुई है सिल्वर की, ये हमने कहीं नहीं देखी लगी। अच्छा अच्छा, वो बर्बाद करती है, वो जब आपके हवा कम होती है और आपकी स्पीड होती है तो लगती है, तो नीचे से कभी भी बबल नहीं आएगा, बबल हमेशा साइड से आता है। ठीक है, ठीक है। जब उसकी हवा कम होती है तो उसकी साइड उस पर जाके लगती है। अच्छा अच्छा, तो वो उसकी वजह से डैमेज होती है, तो वो या कोई पत्थर लगे तब भूलता है, नहीं तो बाकी भूलने की कोई रीजन नहीं है, फुल नहीं होता। लेकिन वो अब देखें, अब जो वारंटी की अगर मैं बात करूं तो वो कट वगैरह की तो नहीं पॉसिबल ना, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो बबल की भी हमारी नहीं होती, क्योंकि वो कस्टमर का जहाँ वारंटी है, हम टायर चढ़ा रहे हैं, आप उसको यूज करें, यहाँ से लेके 2 दिन यूज करें, 3 दिन यूज करें, अगर उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है तो इसका मतलब है टायर बिल्कुल सही है। अगर इसके बाद उसका कोई मसला आता है, आप ना खड्डा देखते हैं ना जंप देखते जी, हैं जी, 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 तो फिर लामाला उसने नुकसान तो करना है। सही है माशाल्लाह। तो अभी आपके पास मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है, तो क्या किस किस उसमें ब्रांड में आप डील करते हैं? योकोहामा ब्रिजस्टोन में ज्यादा डील करते हैं। अच्छा, और चाइना में भी करते हैं, लेकिन है। वो उतना नहीं करते, उतना नहीं करते। कीमत का क्या फर्क है अगर चार टायर की हम एक पैकेज की बात करें? 95-15 ले लें कोरोला का टायर। अच्छा, तो चाइना तकरीबन 50,000, 52, 53, 54, ठीक है, जहाँ किसी का कोई लग जाए तो लग जाए। ठीक है, योकोहामा जो है ना वो 80 से ऊपर, 80 से ऊपर। हाँ, लेकिन मुझे आपके पास से अंदाजा हुआ है जैसे कि आप ज्यादा प्रेफर वैसे ब्रांड को कर रहे हैं ना, क्वालिटी वाइज उसमें वो जरा थोड़ा सा होता है कि भाई लोग भी जो सही जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, वो तो समझते हैं। अब मेरे पास 3D अलाइनमेंट लगी है। अच्छा, अब जो आम जो अनपढ़ आदमी आता है, हाँ जी हाँ जी, जिसको इलम नहीं है वो तो इसको खोता ही समझता है कि ये खोता ही है। अच्छा, लेकिन अच्छा, लेकिन मेरा 50 लाख का सेटअप लगा हुआ है। अच्छा, ये 3D अलाइनमेंट, ये सामने 3D अलाइनमेंट लगी। अच्छा अच्छा, सही है। और आपके ही शॉप पे हम उधर वो भी करवा रहे हैं लाइन बैलेंसिंग भी है जी, बैलेंसिंग भी है, ऑयल चेंज है, अलाइनिंग में। ठीक है, तो एक अगर हमने चाइनीज में अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रेट का बड़ा लोगों को होता है ना, मुझसे पूछ भी रहे होते हैं वीडियो के ऊपर के, तो रेंज जहन में क्या रखी जाए अगर किसी के पास होंडा सिटी है? जी है, मैंने बताया था आपको 52 रेंज, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप बेसिक चाइनीज में आप बात करें कि? मैं चाइनीज की बात कर रहा हूँ ना, देखें 60 तक जाती है चाइनीज की। अच्छा, 50 से जी हाँ, 50 से 60, 50 से 60 होगी ना, ये बात वो मार्केट की बात है, अगर मार्केट में माल ज्यादा आ जाता है तो थोड़ा सा रेट कम हो जाता है। जबरदस्त, वैसे तो आजकल आई शॉर्टिंग है, आपको पता है हमारे मुल्क के क्या हालात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इम्पोर्ट हो नहीं रहा, डॉलर आया नहीं है, तो जो स्मगलिंग में आता है थोड़ा बहुत वही,
मार्केट में सेल होता है तो सही है। ठीक है, आप खुद आपकी शॉप का नाम क्या और कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? शॉप का नाम, मैं तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ इस जगह पे। बेटे कर रहे हैं, मैं तो खुद तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप तो अब रेस्ट है, आप तो एंजॉय करे ना, आपने इतनी मेहनत की है जिंदगी भर। वो मेरे बेटे कर रहे हैं 15 साल से, और वो ये टायर्स में ही है। टायर्स और अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये बताया कि जो आपकी रिम्स की रेंज क्या होती है सिटी की? रिम्स जो रिम्स गाड़ी की 15 की तकरीबन 85,000 रुपए से लेके 80 से ऊपर जाता है ये। अच्छा, ये महंगा काम है? टायर से भी महंगा है? टायर से महंगा काम। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, क्योंकि ये सारा चाइना का इम्पोर्ट है। चले जी, माशाल्लाह लमिया आपके काम में बरकत डाले। और आपकी मुझे एक बड़ी चीज अच्छी लगी जो अभी आपने मुझे बताई ना, कि वारंटी शारंटी तो पीछे से कोई नहीं आती, ये आप खुद अपना रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं। वो उसके साथ करते हैं कि यार ये हमारा क्लाइंट है, कोई बात नहीं, अगर एक दफा हमारे को थोड़ी डैमेज पड़ गया। ठीक है ठीक है, तो आप मुझे बस एंड में अपनी शॉप का नाम बता दें। शॉप का नाम मूसा टायर ट्रेडर है। ठीक है, और आपका नंबर अगर किसी ने कॉन्टेक्ट करना? 0333-5407894। ठीक है, सही है। और वो फिर आप लोकेशन थोड़ी सी जरा गाइड करते हैं? राहुल रोड पे अली नवाज चौक है जी। अली नवाज चौक, ये जो सामने वाला चौक है? ठीक है ठीक है, सही है। कार्डियोलॉजी कौन सी कोई बड़ी बड़ी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है हमारा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बस उसके रेफरेंस से हो जाएगी, सही है। चरण जी, अल्लाह में आपके काम में बरकत डाले, आपसे बहुत अच्छा मिला। आमीन आमीन। अच्छा जी, ये भी देख लें, मूसा ट्रेडर्स के साथ हमारा ये भी चल रहा है, जब से हम व्हील बैलेंसिंग कर रहे हैं। और ये आपने मियाँ जी का इंटरव्यू भी देखा है, बहुत नाइस आदमी है माशाल्लाह। आज आते और ये सारी डिटेल्स वगैरह आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी इसके अंदर। हाँ जी, बन रहा साथ साथ। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया था खालिद भाई, कि जो ये हम पुराने टायर होते हैं जी, ये भी एक सवाल मुझे पता है कमेंट आई जाए ना नीचे, जब आप नए टायर लगवा रहे हैं चारों, तो अब इस गाड़ी में या होंडा सिटी वगैरह में क्या रेट आप उसको एक्सचेंज करते हैं, कुछ पैसे एडजस्ट करते हैं? जो पुराने टायर होते हैं वो, हाँ, कुछ एक्सचेंज करते हैं कंडीशन पे? पुराने टायर कंडीशन पे होता है, कंडीशन देख के लेते हैं। उसमें कुछ इस तरह टायर होते हैं कि कुछ बेचने के लायक नहीं होता है। अच्छा अच्छा, समझ लें कि उस पर जो है ना वैसे ही, अगर फिर आगे बेचना भी जो है ना फजूल हो जाता है। ठीक है, और हम लेके ना आगे पीरी वाले को देते हैं। अच्छा, पीरिया वाला अपने अभी आपके जो गाड़ी में चार टायर देने, इसमें खराब दे, तीन सही दे दिए, तीन पेरी वाला लेके जाएगा। तीन पेरी वाला लेके जाएगा, सही। तो अंदाजन कितने तक के रिटर्न कर लेते फेरी वाले? फिर समझ ले वो हर बंदे का जो है थोड़ा सा ही आ गया, हर बंदे का अपने तक है, यानी कि अभी मेरे मुझे समझ ले कि तीन टायर जो है ना 6,000 में पड़ गए। 6,000 में, सही है। 6,000 में पड़ गए तो उसमें फिर उसमें जो है ना अपना वो रेट लगाएगा। अच्छा, कोई चार भी लगा देते, कोई पंच लगा देते। अच्छा अच्छा, कोई सतहत लगा जाती, इसी तरह। अच्छा 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 अच्छा, किस्मत की बात ही होती है। चलिए, सही है, जबरदस्त है। ये सवाल होते हैं ना जो एकदम से आ जाते हैं, फिर वो वीडियो के नीचे बात हो रही होती है कि यार बताओ पुराने टायरों का अलग रेट हो, अभी जो है ना अगर चार मुकम्मल सेट हो, कोई ना कोई सेट जो है ना 15-20,000 तक भी चला जाता है जो हम उतारते हैं। कोई ना कोई टायर इस तरह होता है कि यानी कि बिल्कुल हम किसी खाते में ही नहीं लगाते। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज और है कि जब आप लोगों ने टायर शायर लगवा लिए, क्योंकि वो एक रैंडम तरीके से जो भी उनके पास सिस्टम है अपना देसी तरीके से हवा भर लेते हैं, तो फिर ये भी एक एड ऑन है, लाजमी है कि आपने इसके बाद जाके टायरों की हवा डलवानी है अपना, जो भी कितना हम इसमें डलवाने लगे 30? हाँ, 30-30 ही है ना। हाँ, 30-30 वो यहाँ पे आपके ना इसके ऊपर लिखी होती है। अच्छा, हाँ, गाड़ी पे ये इम्पोर्टेंट चीज है कि गाड़ी पे ऑलरेडी मेंशन होता है, मार्क होता है कि ये जो कंपनी रिकमेंडेड प्रेशर है वो आपने जरूर भरवाना है लाजमी। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे टायरों में हवा भरवाने के उसका ये भी है कि उसने अभी ना हाईवे पे हमने जाना है, उसने टेस्ट करना है, उसको टायर भी टेस्ट हो जाएंगे, अच्छी हवा होगी 30-31 के लगभग इंशाल्लाह, और उसके बाद हम सारी इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। रहीम, हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं इसकी। कोई बबलिंग कुछ नहीं है ना, ऑल गुड। ये अमार ने ना उससे खालिद से सवाल भी किया था शॉप पे कि आपकी ये टायरों की आवाज कितनी आती है। अच्छा गाइस, ये वाहियात किस्म की ड्राइविंग रिकमेंडेड नहीं है और हम ऐसी करते भी नहीं है,
लेकिन वी आर जस्ट टेस्टिंग इट द टायर्स अल्हम्दुलिल्लाह सड़क खाली होती तो हमारा वो मकसद ज़्यादा सही पूरा होता इसमें हम आवाज़ को सुन पाते सो ऑल गुड चलिए जी टायर्स वगैरह का हमने काम मुकम्मल कर लिया वीडियो एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ मार्च से रीकैप होगा बेसिकली कि वहाँ जब बात हो रही थी कि टायर्स हमने चेंज करवाने उसकी कॉस्ट डिसाइड हो रही है सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है कौन कौन सी चीज़ों को आपने उसके अंदर इंक्लूड करना है टू सेव सम कॉस्ट असल में सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये है कि आपको ये बताना चाहिए कि जो टायर आपको डाल के देता है वो साथ में आपके फिर व्हील बैलेंसिंग भी करके देता है तो क्योंकि वो फिर लोग बाहर जाके या फिर वो उसी कॉस्ट में वो चीज़ एडजस्ट नहीं कराते तो वो बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है कि एक तो नेगोशिएशन हो गई उसके बाद आपने डिसाइड करना है कॉस्ट कटिंग किस तरह करनी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ सेकंड जो बड़ी एक कॉस्ट आपकी बचती है वो आपके पुराने जो टायर होते हैं वो एडजस्ट होते हैं पुराने टायर आपके बिकते हैं लोग उठा के पुराने टायर वापस ले आते हैं या कोई चीज़ हो जाती है डिपेंडिंग ऑन के आपके टायर की हालत क्या है तो वो उसकी एक प्राइस डिसाइड होती है जो कि समटाइम्स 1000 होती है और समटाइम्स ये है कि वो 2500 3000 तक चले जाते हैं ना ठीक है तो ये एक बड़ी जरूरी होती है एक चीज होगी थर्ड आपने जब टायर्स चेंज करा रहे हैं तो आप उसके साथ नोजल्स लाजमी चेंज कराएं कि बाद में ये होता है कि नोजल लीक कर गई ये कर गई तो आपका नया टायर खराब हो जाता है बिल्कुल सही है तो ये जो तीन चीजें हैं इनकी कॉस्ट बीच में आपने लाजमी ऐड करानी होती है उसके अंदर भी आपका एक बार्गेनिंग फैक्टर लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर बार्गेन कर लेते हैं क्या कहते हैं टायरों के ऊपर और ये बात सबसे पहली बात ये है कि पहले टायर के ऊपर बार्गेन करें बाद में इन तीनों चीजों के ऊपर बार्गेन करें सेकेंडरी चीज है क्योंकि लोग क्या करते हैं लोग साथ में एडजस्ट कराने के अच्छा एडजस्ट करा के कितने के पड़े कितने के पड़ा इस तरह करते हैं तो वो पहले आप एक बार्गेन करा लेते हैं फिर आप दूसरी कर लेते हैं जिस तरह हमें अगर हम मिला के दोनों की कॉस्ट देखें तो हमारी तकरीबन 70,000 के पास बात जा रही थी तो वो हमने 70 कहीं पे थी ना तो सब दोनों चीजें हमने की तो उससे हमारा क्या हुआ 12-15,000 की सेविंग हमने 54,000 में सारा कुछ करा के तो अब करा के वापस आए और इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं होती देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कोई हिडन बात नहीं है आप उनके साथ निगोसिएशन टायर्स के करने के बाद बैठे बात करें आज जैसे खालिद था आपने वीडियो में भी देखा वो उसने हमें बकायदा एंटरटेन किया इस चीज़ पे और फिर उसको बकायदा कंपनसेट करके दिया उसने चीज़ को ना तो ये बड़े अच्छे ताल्लुकात से आपका राइट है ये काम करना और वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं ऑनर करते हैं उस चीज़ को अगर नहीं करेंगे तो फिर वो उनको भी क्या लगे कि कभी इंटरेस्टेड नहीं है एक तो ये चीज़ है दूसरा मैंने आपको पूरे प्रोसेस में ये चीज़ दिखाई है जैसे अमार व्हील बैलेंसिंग के टाइम पे भी वहाँ खड़ा हुआ था ये मुझे कह रहा था कि आप जाके उसकी डेट चेक करें इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टायर की डेट तो जो अलहदा है ना लोग क्या करते हैं क्योंकि व्हील बैलेंस आप ले करा रहे होते हो फ्री के अंदर उसके अंदर ये एडजस्ट कराई होती है तो वो ऐसे ही करके दे देते हैं वो सही व्हील बैलेंस करके नहीं देते तो वो अगर आप सर पे खड़े होकर करा लेते हैं तो वो पता लग जाता है कि वो 0-0 हो गया तो वो चलते हैं ठीक है फिर सही हो गया ये जब मैंने अपने ऑडियंस के लिए एसी के बनाया था ना वीडियो तो उसमें दिखाया था कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा साथ उसके ये चीज ऐसे करो ऐसे करो वो थोड़ा सा नापसंद करते हैं उस चीज को लेकिन फिर भी ये इस तरीके से है तो काफी लंबी वीडियो होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी आप लोग अपना ख्याल रखें बड़ों की इज्जत करें छोटे से प्यार करें और हमारा इंतजार करें आई विल सी यू सम अदर डे आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप अगर इस्लामाबाद से हैं तो आपको तो बहुत फ़ायदा होगा अदरवाइज अगर आपको इस्लामाबाद पे चक्कर लगता है तो आप इस की जगह का नाम भूल जाते हैं कौन सी सुल्तान का खू ज़रूर है ठीक है वैसे जगह अगर आप माइनस भी कर लें तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो एप्लीकेबल हर जगह ही होगी सो बस ऐसे तो अपना ख्याल थैंक यू